गया। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो बे, सुनो मेरी बात, ए, सुनो अबे मजाक कर रहे। आगे आओ आगे। रायपुर? हाँ रायपुर आ जाओ। सर जी एंजॉय कर रहे हैं वैसे भाई के लिए। हम भाई बस एंजॉय चल रहा है जीवन में। देखो एंजॉय सब कुछ है, सब कुछ है। अगर जीवन में एंजॉय नहीं है तो जीवन बेकार है कि नहीं? यस। ये यस जो आपने बोला यही इसी में सब कुछ है। अब देखिए आप जैसे हमारे कस्टमर हैं, हमारे कस्टमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये जो बीप बीप कर रही है। ओके सर। सर जी इसका सिस्टम बताइए क्योंकि हम तो भाई क्योंकि हम सिस्टम बता दे रहे हैं। देखिए उलझ न जाना है। चलेगा ये नहीं चलेगा? ये चलेगा। आओ दिखाइए कौन सा स्टेप कर सकते हैं आप। ये भी नहीं चलेगा? नो फेल। दूसरा ट्राई करिए। इधर से इधर से सोच लो, हम इंतजार कर लेंगे। सोचो कैसे क्या होगा। हम कैसे और कोई और कुछ बचा? हमें नहीं पता भाई, इसके लिए ही हम हैं। बताइए। देख रहे हैं? अब इसको देख के सीखिए। इस खुलेगा कहाँ से? अच्छा देखो फंदा ना लगा लेना गले में अपने। नहीं सर ठीक है ना? नहीं अभी। अगर आप सही से लगाएंगे तो हमें खुशी होगी और आपकी खुशी में ही हमारा खुशा है। नहीं, तो इसको आपको खोसना होगा। ये देखिए ये जो है इसको और ये जो है एकदम ऐसे झटके से आगे जाओ। ठीक है चलें। तो भैया क्या नाम रहता अपना? रामू त्रिवेदी सर नाम है हमारा। अच्छा। और इससे स्कूल का नाम राम शंकर त्रिवेदी था। आवाज भी है और बाकी वैसे लोग घर में यार दोस्त सब लोग रामू कहते हैं। तो कुल मिला के आप रामू भैया। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। मोहब्बत क्या चीज है? सर मोहब्बत तो बताएं अगर सबसे अच्छी तो मोहब्बत के अलावा कोई संसार में प्यार के अलावा कोई चीज ही नहीं। अच्छा यस। क्योंकि हमको हो गई ना तो आप तो सब झेल लेंगे क्योंकि आप हर तरीके से सच्चम है ना। यहाँ गलत हो गए आप राजा। अच्छा भाई जी। क्या नाम था अपना? रामू भैया। यहाँ गलत हो गए। आपको लग रहा होगा हम गाड़ी के मालिक हैं। गाड़ी हमारी है ना? गाड़ी हमारी नहीं है। देखो कोई भी देखेगा कोई देखो भी। देखना अलग होता है, नजरिया अलग है। सर जी आप आजकल जो दिख रहा है वैसा है नहीं। सर जी आप ठीक कह रहे हैं आपकी बात। अब आपने देखो कितने सच्चे इंसान की आपने अपनी इंसानियत अपने सच्चाई अपने आप बयां कर दी। अभी तो हमने बताया ही नहीं कुछ। एक वाई जेड अगर कोई भी देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि आप गाड़ी के मालिक ने, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है जो आपकी अब क्या करें शरीर ओके बिल्कुल स्मार्ट लगते हैं। इसी धोखे में हमारे साथ बहुत लोग धोखा खा जाते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं। ये सब जो है आप देख रहे हो ये हमारी मोहब्बत का दिया हुआ है। तो जब मोहब्बत का दिया हुआ सदी तो आप ही मालिक हैं मोहब्बत से ना चीज़। या वो उधर से उसकी डिमांड पूरी हो रही है तो दिया है, खाली आजकल कोई नहीं देता। समझ रहे हो आप मेरी बात? उधर कुछ जाएगा तो इधर आएगा, दूर तक की बात है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी है और हमको नहीं लग रहा आप अनाड़ी हैं। पर सर एक बात तो है जी, इस संसार में हर प्रकार का अब क्या रोकेंगे? नहीं नहीं रोकेंगे नहीं, आपकी बात सुन रहे थे हम, बताइए। अरे उसे छोड़ो सुनो नहीं क्योंकि हमें बहुत टाइम। हम बात सुनना चाहते थे ना। बात क्या कह रहे थे आप? बात क्या पता मेरे काम की बात निकल आए वो? नहीं ऐसी कोई काम की, हम बस आपकी इसलिए कह रहे थे कि आप में वो जो जिस तरीके की आपका व्यवहार है
आम आदमी को ले लेते हैं, चलते फिरतों को उठा लेते हैं, बैठा लेते हैं, इसलिए आपका ये लगता है कि फिर आप एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे पुरुष आदमी मालूम पड़ रहा है। अच्छा हमें, अच्छा अब आपने अपनी बात बोल ली, अब हम अगर आपको ये बोले कि हम इसके बिल्कुल विपरीत हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जब जानते नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं। इसको कहते हैं भरोसा, जो आपने कर लिया है ना। देखिए मैं अपनी कहानी आपको बताऊं, छोटी सी कहानी है, दो मिनट का समय चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप हमारे कस्टमर हैं और चाहते हैं कस्टमर सेफ रहे। तो सर जी चलते रहिए। देखिए पहली बात तो हम 3 साल बाद इस शहर में आए हैं। इस शहर में इसके पहले मैं जेल में था, कानपुर सेंट्रल जो है ना, वहां थे हम। तो वहां प्रोग्राम किया करते थे, अंदर हम सिंगिंग करते थे, हमें गाने का शौक था। तो गाने के शौक के दौरान ही एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से, वो मैं बताना नहीं चाहूंगा क्या हुआ था, जिसकी वजह से हमें अंदर जाना पड़ा और हमें हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। 3 साल हम अंदर रहे, हमारी सजा 4.5 साल की थी, लेकिन हमने गाना ऐसा गाया बहुत अच्छा, अंदर भी कई प्रोग्राम किए, कि हमारा 1.5 साल कम कर दिया गया। वो ये था कि हाँ मैंने भी प्यार किया है, आवाज देख रहे हैं जब हम गाते हैं तो सुर ऊंचा जाता है। तो हमारे साथ जो महिला दूसरी गाने आई थी, उसने गाना कुछ और गाना था, लेकिन हमसे आकर्षित होके उसने भी यही गाना गाया, हाँ मैंने भी वेरी गुड प्यार किया है। तो इधर उधर से जब हमको बाद में पता चला कि इसने गाना कुछ और था, लेकिन गाया कुछ और, क्योंकि वो हमको जवाब देना चाहती थी, हाँ मैंने भी प्यार किया। तो हमने उनसे जब पूछा तो पता चला कि हमारी वजह से उन्होंने ये गाना गाया। तो बात आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ी, मिलना जुलना हुआ, हमको गाड़ी दी गई, जितना हमारा खर्चा पानी है वो सब देखा गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ छोटी मोटी उनकी डिमांड रहती है वो हमको पूरा करना पड़ता है। 1:30 बजे दोपहर से हमसे कह रही है कि हमको लाश चाहिए, खत्म। हमने बोला किसकी चाहिए, कोई नाम बता दो, कुछ बता दो। कह रहे नहीं बस चाहिए, तुमको हम देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो हमने बोला ठीक है। तो जैसे अब इस वक्त बज रहा है 6, बहुत देर से हम परेशान थे, आप सज्जन आदमी हमको मिल गए। तो अब जैसे हमारा आधा काम हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि आपसे कुछ भी करवाता है, तो वही हम बताना चाहते थे। तो आप चलेंगे कहाँ? रनिया है? रनिया कौन जाएगा भैया, रनिया तो आप है, काहे के लिए? आपको क्या लग रहा था हम आपको रनिया छोड़ने जा रहे हैं? ये गाड़ी और ये सारी चीजें आपको लग रहा हम बैठाएंगे आदमी को रनिया? 2 आदमी भाई साहब दौड़ गए यहाँ से पीछे से, ये खिड़की खोल के। क्यों? बहुत यही बात, जब उनको हम देखिए किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, हम किसी को बता के, क्योंकि हमें ऊपर भी जवाब देना है, हम जो बता के अपनी मर्जी से जो काम करेगा उसको लेके जाते हैं। तो अब जैसे आप तीसरे हमें मिले तो आज ही हमको अपना टारगेट कम्प्लीट करना है, ठीक है? नहीं तो हमारे हाथ से गाड़ी भी जाएगी हमारे हाथ से, क्योंकि हमें मालूम हमने जीवन अपना कैसा काटा भाई साहब, और बड़ी मुश्किल से जीवन में हम आए। आप ये कह रहे खोल ले कि नहीं इसको बेल्ट को? किसको? इसको। वो ऐसे नहीं खुलती है, पासवर्ड पड़ा उसमें। तो उस पासवर्ड में तो खोलो इसको। आप क्या चाहते हो, सब हमसे छिन जाए? नहीं आप सब चला जाए, ये कपड़ा घड़ी, अरे ये आप बताओ खोल ले कि नहीं खोल ले? वो अपने आप नहीं खुलेगी भाई साहब, ना आपके खोलने से खुलेगी। खोल दो उसको ना, खोल दो। आप क्या चाह रहे हो? हमें जाना है। देखिए हमारा काटा कभी तकलीफ में नहीं जाता है। आप खोल ले कि या नहीं खोल ले ये बताइए हमें, बस अर्जेंट ये करिए कि आप खोल ले कि नहीं खोल ले, बस आप ये बताइए जल्दी। ऑर्गेनाइज? हाँ। क्या ऑर्गेनाइज? कि हमें खोल के बाहर निकाल ले कि नहीं निकाल ले? आप हमारी बात नहीं समझ पाए। ये कौन सा डिजाइन है? ये डिजाइन हमारे पास अभी, आप खोल ले ये बताइए आप। इनका नाम है सुशीला, शायद कभी आपने सुना हो।
हम क्यों सुनेंगे। बात एक बता रहे हैं, प्यार से हम इनको बोलते हैं बेबी जुमान जी, और बेबी जुमान जी ने जो एक बार कह दिया वो ऐसे नहीं तो ऐसे होना है। और बेबी जुमान जी को डेड बॉडी के सामने बैठ के रियाज करने की आदत है, मतलब समझ रहे हैं आप। रोको, अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो बे, सुनो मेरी बात, ए, सुनो अबे मजाक कर रहे हैं। मार डाला हमें मारा, देखो कलेजा बाहर आ गया मुंह से। मेरी बात सुनो, जो आदमी ऐसे अनजान आदमी के साथ बैठ जाता है ना भरोसा करके, उसी लिए कह रहे हैं। ये कैमरा लगा देखो है सर जी, आगे से अनजान आदमी बैठने के बाद सोचेंगे, और कभी अब कभी जिंदगी में बैठेंगे नहीं, कान पकड़े हमने। सब्सक्राइब करें सर जी, सब बहुत ऐसे आदमी, अगर आपको दो चार दस मिल गए तो संवार देंगे पूरा कानपुर सबको। राइट बात है।